आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। लगातार बिहार के जेलों को लेकर कई तरह की खबरें सामने आती रही है, चाहे वो कैदियों की भागने की खबर हो या फिर जेल के अंदर से कैदियों के द्वारा रंगदारी मांगने का कोई वायरल वीडियो हो। यहां तक कि कई बार बिहार के जेलों में छापेमारी भी की गई है, जिसमें कई तरह के असामाजिक तत्व भी मिले हैं। कैदियों के द्वारा फोन का इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर पटना के बेऊर जेल की बात करें तो पटना के बेऊर जेल में तो दीवार के उस पार तक फोन फेंका जाता है कैदियों के लिए। कैदी काफी ठाट बाट और आराम से रहते हैं। इन तरह की खबरों से हमने आपको कई बार रूबरू कराया है और अब इसी कड़ी में बिहार के 9 जेलरों का तबादला हुआ है। तो ये बड़ी जो है वो कार्रवाई की गई है, जहां पर 9 जेलरों का तबादला कर दिया गया है। किन जेलों के जेलरों का तबादला किया गया है, क्या कुछ वजह है, क्या दिशा निर्देश सामने आए हैं, वो अब जानते हैं। आपको बताएं कि बिहार राज्य के विभिन्न काराओं में कार्यरत एवं निलंबन मुक्त होने के उपरांत पतिशारत निमंकित उपाधीक्षकों को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 5 में अंकित काराओं में अगले आदेश तक के लिए पद स्थापित किया गया है। सूची इस प्रकार है: सुनील कुमार मौर्य, गृह जिला गया, उनका वर्तमान पद स्थापन बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर में था। उनका पद स्थापन जो है वो कारा उदा किशनगंज में हुआ है। दूसरे नंबर पे भोला प्रसाद शर्मा, जिनका गृह जिला पटना है, उनका वर्तमान पद स्थापन मंडल कारा सीतामढ़ी था, अब नया पद स्थापन मंडल कारा बांका हो गया है। मनोज कुमार सिंह, जिनका गृह जिला भागलपुर है, उनका वर्तमान पद स्थापन मंडल कारा समस्तीपुर था और नया पद स्थापन आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर कर दिया गया है। चौथे नंबर पर जितेंद्र कुमार गुप्ता, जिनका गृह जिला पश्चिम चंपारण है, वर्तमान पद स्थापन उनका मंडल कारा जहानाबाद में था, जो कि अब नए पद स्थापन पर वो मंडल कारा छपड़ा चले जाएंगे। छठे नंबर पर रामविलास दास, जिनका गृह जिला पूर्णिया है, वर्तमान पद स्थापन की प्रतीक्षा में चल रहा था और नए पद स्थापन के तहत उन्हें मंडल कारा सीतामढ़ी भेजा जाएगा। संजय कुमार, जिनका गृह जिला गया है, पद स्थापन की प्रतीक्षा में वो थे और अब उनका नया पद स्थापन बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर कर दिया गया है। अरविंद कुमार, जिनका गृह जिला पूर्वी चंपारण है, वो भी पद स्थापन की प्रतीक्षा में थे, अब उनका नया पद स्थापन मंडल कारा जहानाबाद किया गया है। नौवे नंबर पर शिव मंगल प्रसाद है, जिनका गृह जिला भागलपुर है, वो भी पद स्थापन की प्रतीक्षा में थे, अब मंडल कारा दरभंगा उनका नया पद स्थापन कर दिया गया है। आपको बताएं कि उपरोक्त सभी स्थानांतरित उपाधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि उपर्युक्त आदेश के आलोक में अपने नव पद स्थापन कारा में निश्चित रूप से 3 दिनों के अंदर उन्हें योगदान देना सुनिश्चित करना होगा। सभी संबंधित काराधीक्षकों को यह निर्देश भी दिया गया है कि उपर्युक्त आदेश के आलोक में स्थानांतरित उपाधीक्षकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत अन्य कर्मी को प्रभार दिलाते हुए अनिवार्य रूप से विरमित करना होगा और बिना पारगमन अवधि के उपभोग किए अपने नव पद स्थापित कारा में योगदान हेतु निर्देशित करना होगा। सभी स्थानांतरित उपाधीक्षकों को माह जुलाई 2022 का वेतन नव पद स्थापित कारा से देय होगा। उक्त पर महानिरीक्षण कारा एवं सुधार सेवाएं का अनुमोदन प्राप्त है। तो बिहार के 9 जो है जेलरों का तबादला विभिन्न काराओं में कर दिया गया है। इसकी सूची हमने आपको इस खबर में बताई। लगातार जो प्रशासन है, लगातार सरकार इस बात को सुनिश्चित करने की कवायद में लगी हुई है कि बिहार के अंदर जितने भी जेल है वो सुरक्षित हो पाए। जितने भी कैदियों को रखा जाता है जेल के अंदर, उन्हें नियमों के तहत रखा जाए, नियमों का उल्लंघन ना हो, कैदी किसी प्रकार की किसी नियम का उल्लंघन ना कर सके, इसी को देखते हुए सख्ती बढ़ती जा रही है। लगातार कैदियों को काफी सख्त तरीके से रखा जा रहा है, लगातार जांच पड़ताल की जाती है, जेलों के अंदर छापेमारी होती है ताकि सच्चाई बाहर निकलकर सामने आ सके, जो जेलों के अंदर काम होता रहता है वो बातें सामने आ सके। और अब इसी कड़ी में 9 जेलरों का तबादला कर दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अलग अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फाउंडेशन में। नमस्कार।